तो दोस्तों नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के योग आपकी कुंडली में हैं या नहीं। मेरा मतलब है कि जो हम कमा रहे हैं या जो स्टॉक मार्केट से पैसा ले रहे हैं उसके लिए हमने प्रारब्ध में मतलब पूरे पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे या इस जन्म में मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं योग बन रहे थे हमारी कुंडली में या नहीं है। तो मान लो ये किसी की कुंडली है, एक हमने सैंपल कुंडली बना के रखी हुई है। तो यहाँ ये जो कॉलम होता है ये हमारा धन भाव है, यहाँ से धन आता है। तो ये कितना स्ट्रांग है, ये इनकम है जो आता है पैसा, जो जैसे सैलरी किसी को मिलती है, खेती से पैसा आता, किराए के मकान से, कहीं से भी जो सोर्स ऑफ इनकम है ये है आपका, ठीक है। ये वाला हमारा भाग्य का घर है, जो भाग्य होता है, और ये स्टॉक मार्केट के लिए है फिफ्थ हाउस, ठीक है। आप कितना ही काम कर लो, कुछ भी कर लो, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा ना तो कहीं से कोई पैसा नहीं मिलना, ना स्टॉक मार्केट से मिलेगा, ना नौकरी लगेगी, ना या कुछ भी। तो उसके लिए सबसे जरूरी है ये जो है भाग्य स्थान अच्छा होना। अब हम देखते हैं कि भाई ये कुंडली में स्टॉक मार्केट का योग है या नहीं, ये स्टॉक मार्केट में काम कर पाएगा या नहीं, या कोई दूसरा काम करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस का और इनकम वाले घर का, दोनों के स्वामी अगर कहीं गुरु के साथ बैठ जाएं, जैसे मैंने ये बिठाए हुए, तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो यहाँ पे, तो वो राकेश झुंझुनू वाले की तरह योग बन जाता है। उसको इतना पैसा मिलता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो मेन हम देखते हैं कि इसका जो भाव का जो स्वामी है फिफ्थ भाव का, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका संबंध आय स्थान से है कि नहीं, धन स्थान से है कि नहीं, और भाग्य से है कि नहीं, ठीक है, या वो लग्न में बैठा हुआ है। तो ये सारे योग मिला के देखा जाता है स्टॉक मार्केट का, आपको इनकम होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये बंदा शेयर मार्केट में काम करे या कॉमोडिटी में काम करे, उसके लिए गुरु कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो गुरु क्या है, गुरु अगर अच्छी पोजीशन में अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, कहने का मतलब अपनी स्व राशि में हो, उच्च की राशि में हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, जो या उसके कारक भाव में वहाँ है, मतलब पोजीशन अच्छी है, या वर्गो उत्तम हो D9 नवांश कुंडली में और इसमें, तो वो बंदा स्टॉक मार्केट से कॉमोडिटी में बहुत पैसा कमाता है। सेकंड, अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है, ठीक है, तो आप किसी दूसरे को सलाह दोगे कि भाई ये खरीद लो, ये बेच दो, यहाँ खरीदो, यहाँ सेल करो, तो उससे क्या फायदा होगा, आपको दूसरे को सलाह देने में फायदा होगा और आप काम करोगे तो नहीं होगा। तो इससे हम देखते हैं कि ये बंदा किस में काम करे, शेयर मार्केट में काम करे, ये कमोडिटी में काम करे, या किसी को सलाह दे, मतलब सिर्फ सलाह दो कि भाई ये शेयर खरीदो, तुम्हारे लिए वो नहीं बढ़ेगा, उसके लिए बढ़ जाएगा, तुम खरीद नहीं पाओगे। बहुत से आदमी आप लोग देखते होगे, तो ये एक कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं। अभी बहुत सी कुंडली आती है या जो लोग पूछते हैं हम बताते हैं उनको, तो मेरा मकसद यही है कि 1500 रुपये दे के ये सॉल्यूशन अपना कर लो, फिर आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा यार मैं काम करूं या नहीं। 4-6-10 लाख मार्केट को दे के फिर ये सारी चीज़ करते हो तो क्या मतलब है। एक मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आदमी सर्विस करते हैं, मतलब जो आदमी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी एक सलाह है कि वो डेली स्टॉक मार्केट में काम ना करें, या अंधाधुंध ना करें, या शेयर ना खरीदें। उनको क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं म्यूचुअल फंड में, मैं तो देख लिया 1-1.5 साल में आप पूरे निकाल लो, 2-3 म्यूचुअल फंड को देख के साहब डाउन में ही है, किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई 1-2 किसी का लक वाला। अब 1000 म्यूचुअल फंड है, आप कौन सा खरीदोगे, भाई एक ने बोला ये खरीद लो ब्लू चिप SBI, कोई बोलेगा ये, तुमने एक में डाला वही साला डूब रहा है। अब देख लो लिस्ट पूरी कितने रिटर्न दिए,
मैं बोलता हूं तुम लोग देखते रहो इंडेक्स को, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों को देखो। इनमें से जब कोई 1,000-1,500 पॉइंट नीचे गिर जाता है, उस टाइम पे जो सर्विस वाले हैं वो निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी 20 इसको खरीद लो। ये कम में आता है, 100-125 का ये है, 200-250 का ये चल रहा होगा, इनमें से कोई खरीद लो उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो यहाँ पे आप 50,000 लगा दो उस टाइम, या 25-25 करके, जैसे मैं कल बता रहा था, 25-25 हजार चार पार्ट में डाल दो। मान लो ये जब चल रहा था यहाँ पे, तो मैं जैसे कल बता रहा था, मानो आपका बैंक निफ्टी यहाँ था, आपने यहाँ 25,000 का खरीद लिया, आप सोच रहे थे यहाँ से ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा नहीं ऊपर तो नीचे गिर गया, फिर आपने 25 का खरीद लिया, आपने सोचा यहां से लौटेगा, फिर यहां पे वो आ गया तो यहां खरीद लिया आपने 25,000 के, ठीक है। अब इतने तो ऐसा है नहीं कि नीचे चला जाएगा, अब यहां से लौटा या यहां से लौटा, यहां से लौट लिया मान लो पहले पे, तो 25,000 पे कुछ दे जाएगा, 3-4%, मतलब प्रॉफिट कम है लेकिन श्योरिटी है, ये डूबेगा नहीं, ये निश्चित है, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स है शेयर मार्केट का, कोई डूबने के चांस नहीं, चाहे कोई कंपनी डूब जाए, बैंक, कभी भी किसी की गलत न्यूज आ जाए, किसी कारण से गलत न्यूज आ गई कि भाई ये कंपनी या ऐसा है, वो नीचे चला जाएगा, तुम करोगे क्या। लेकिन ये जाएगा भी तो आएगा फटाफट, इसका एक गेम है। बैंक निफ्टी अभी 3,000 पॉइंट पहले गिरा, 3,000 गिर गया, तो वो 3,000 कवर भी तो कर लेता है अगले 15-20 दिन में तकरीबन, 1,500 नीचे रह जाए, 2,000 वो अलग बात है। तो तुम्हें क्या करना है, जब जब ये गिरे निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी 20 जो सर्विस करते हैं अपना, वो देख लो एक बार या दिन में 2 बार कि आज गिर गया, ठीक है यार 10,000 का ले लेता हूँ, फिर गिर गया फिर ले लिया, पहले गिनने 2,000-1,500 जब भी शुरू करो, फिर गिर गया और वो लौटेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी जो सर्विस पर्सन है उनको और कोई अच्छा तरीका नहीं है मेरे विचार से, जो जॉब करते हैं। दूसरा फायदा, आपका जॉब में अच्छे से काम करोगे, ध्यान रहेगा, जब आदमी अगर 20,000 की पोजीशन खरीद ले और अपना जॉब कर रहा है तो जॉब में मनी नहीं लगता, करेगा कुछ होगा कुछ, आगे जो प्रमोशन के चांस हैं वो भी रुक जाएंगे, तो इसलिए मेरी सलाह है इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।